Hey guys, welcome and welcome back to my channel. आज के वीडियो में गाइज हम लोग सीखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर अ सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस फ्रॉम स्क्रैच. एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा. मैंने खुद अप्लाई किया है एंड वाई गाइज सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस, बिकॉज सिक्योरिटी गार्ड का जो पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब होता है गाइज वो लीस्ट लेबर वाला जॉब होता है कैनेडा में. एंड एक्सपीरियंस जब हो जाएगा यू कैन इवन अप्लाई फॉर अ नॉक पी लेवल सिक्योरिटी जॉब फुल टाइम वर्क परमिट पे एंड दैट विल गेट यू अ पीआर. अगर आप 10 महीने 12 महीने करते हो वाला जॉब, आपको ओंटारियो में एक्सप्रेस एंट्री के मीडियम से आपको पीआर भी मिल सकता. That's the biggest benefit of security guard license, guys. So finally, if you're new to my channel, make sure to hit the subscribe button and like this video, guys, because that's my only motivation. And without any further bullshit, let's get into the. Alright guys, so the first step to book a security guard license is to actually book a CPR training. अब CPR क्या होता है guys? CPR जो for example किसी को breathlessness हो रहा है, किसी को asthma attack आया, या फिर someone is a victim of some incident, किसी ने उसको stab कर दिया, या फिर a person is very much injured, right? तो उनको क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है. You have to actually go in person and pump their heart. ऐसे करके हार्ट को पंप करना पड़ता है विद दिस एरिया. दैट इज ऑन अ सीपीआर ट्रेनिंग एंड वो उसका एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है जो आपको सीखना मैंडेटरी है. यहाँ पे सीपीआर ट्रेनिंग बुक करने के लिए $180 चाहिए, $180 इज द प्राइस. 8 घंटे का ट्रेनिंग होता है गाइज एंड उसमें आपको 3 मेन चीज सिखाया जाएगा. नंबर 1, हाउ टू गिव फर्स्ट एड. नंबर 2, हाउ टू गिव अ सीपीआर ट्रेनिंग टू अ विक्टिम. एंड नंबर 3, हाउ टू कम्युनिकेट टू स्ट्रेंजर्स, व्हाट इज द एग्जैक्ट वे. ऑल्सो एक बेसिक मोटो है सिक्योरिटी गार्ड सीपीआर ट्रेनिंग का जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है. इंडिया में हम लोग का एक बेसिक वो अपने अंदर कल्चर में होता है कि इफ यू आर इन द लीगल प्रोफेशन, लेट्स से सिक्योरिटी गार्ड और आर्मी ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर, यू हैव टू सेव द अदर पर्सन हु इज अ विक्टिम और हु इज इन अ फाइट, हु इज इन अ केओस, हु इज इंजर्ड, राइट? दूसरों को बचाना है, दैट्स अवर प्रायोरिटी. बट इन कैनेडा द सिचुएशन इज काइंड ऑफ डिफरेंट. एज अ सिक्योरिटी गार्ड यू हैव टू सेव योर लाइफ फर्स्ट, बिकॉज हम लोग को ट्रेनिंग पे बताया जाता है द सिक्योरिटी गार्ड इज अ ह्यूमन एज वेल, ही इज हैविंग अ फैमिली, और लेट्स से अगर मैरिड हो देन ही इज हैविंग किड्स एज वेल. तो हमको एट द एंड ऑफ द डे हमारे फैमिली के पास जाना है. तो आवर हेल्थ, आवर सेफ्टी इज हियर, दूसरे का सेफ्टी इज हियर, एंड देन एवरीथिंग फॉल्स after that. As a security guard, your sole duty is not to save people. I repeat, your sole duty is not to save people. Your sole duty is to observe the incident, write it in a memo book or a notebook and report it to your company's supervisor. So yeah, first step is you have to book a CPR training with $180. किसी भी कंपनी को कॉल करो, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस ओंटारियो में आप सर्च कर सकते हो गूगल में, पिक्चर आपको दिख जाएगा कोई भी कंपनी. मैंने खुद से किया है, सेफ्टी फर्स्ट सिक्योरिटी से 515 रेटिंग है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा. इसमें कॉल करो या फिर फिजिकल ऑफिस में चले जाओ, बताओ कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस अप्लाई करना है, तो वो लोग आपके लिए ट्रेनिंग बुक कर देंगे, डेट टाइम लोकेशन बता देंगे, और उस दिन आपको इन पर्सन जाना है. $180 कैश पे या डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हो. 8 घंटे का ट्रेनिंग होगा, सारा कुछ सिखा देगा एंड देन यू विल बी गेटिंग अ स्मॉल कार्ड एज अ प्रूफ कि दिस पर्सन ऑन दिस डेट अंडर दिस कंपनी हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली अ सीपीआर ट्रेनिंग एंड दैट मेक्स यू एलिजिबल टू गो फर्दर विद द स्टेप्स टू फाइनली अप्लाई फॉर अ सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस. ऑलराइट, कमिंग टू अर सेकंड स्टेप, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, फटाफट आपको स्टेप्स एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो सुपर बोरिंग, राइट? फटाफट चलेंगे. अब मेन स्टेप मैंने बता दिया सीपीआर ट्रेनिंग, उसमें एक्सप्लेन करना था तो बता दिया, अब पेज बनाते हैं गाइज. सेकंड पॉइंट इज यू वंस यू कंप्लीट द सीपीआर ट्रेनिंग यू विल बी गेटिंग अ इंस्ट्रक्शन शीट. एक ऐसा आपको शीट मिलेगा फ्रॉम योर कंपनी, ठीक है? शीट में क्या होता है, आपको सारा स्टेप्स ऑलरेडी वो लोग बता चुके होंगे. द सेकंड स्टेप, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप इज आपको एक ई मेल एड्रेस आप रजिस्टर करोगे. जब आपका सीबीआई ट्रेनिंग होगा आपको एक ई मेल एड्रेस से रजिस्टर करना होगा ऑनलाइन अकाउंट पर, वो लोग सारा कुछ बता देंगे यूजिंग दैट ई मेल एड्रेस एंड देल गिव यू अ पासवर्ड. ये दोनों चीज यूज करके आपको एक वेबसाइट पर जाके लॉग इन करना है एंड देयर यू विल बी फाइंडिंग 11 मॉड्यूल्स. 40 आवर्स का ट्रेनिंग होता है, आपको सारा मॉड्यूल्स कंप्लीट करना होगा एंड वंस यू कंप्लीट ईच मॉड्यूल विल बी गेटिंग अ टेस्ट. हर एक मॉड्यूल के बाद में एक टेस्ट कंप्लीट करना होगा एंड वंस यू कंप्लीट ऑल द 11 मॉड्यूल्स दैट विल अनलॉक यू 5 मोर प्रैक्टिस टेस्ट. दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आप वो 5 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर सकते हो, फर्स्ट तो मॉड्यूल स्पेसिफिक टेस्ट होगा, इसके बाद 5 प्रैक्टिस टेस्ट होगा इंक्लूडिंग ऑल दोज मॉड्यूल्स. उसका सिलेबस सारा मॉड्यूल्स को मिला के है एंड इफ यू कैन सक्सेसफुली सॉल्व 5 प्रैक्टिस टेस्ट देन यू विल बी गेटिंग अ कंप्लीशन नंबर विद इन 3 बिजनेस डेज. सारा कुछ इंस्ट्रक्शन शीट पे मेंशनड है, फिर मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको कंपनी प्रोवाइड कर देगी.
ठीक है. सो वंस यू कंप्लीट द प्रैक्टिस टेस्ट यू विल बी गेटिंग अ कंप्लीशन नंबर वाया ईमेल इन 3 business days एंड उस नंबर को यूज करके यू कैन बुक अ सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग. ठीक है, ऑनलाइन जो वेबसाइट है, वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा. इस वेबसाइट पे जाके आपको सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग एग्जाम बुक करना होगा यूजिंग दैट कंप्लीशन नंबर. ठीक है, तो वंस यू बुक योर एग्जाम उस डेट पे आप ऑफलाइन भी जा सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो. मोस्टली पीपल गिव ऑनलाइन, घर पे बैठ के लैपटॉप का वेबकैम ऑन करके आप दे सकते हो. मेक श्योर यू डू नॉट चीट बिकॉज बहुत स्ट्रिक्ट होता है एंड यू हैव टू पे $75 टू बुक योर सिक्योरिटी गार्ड एग्जाम. एंड अगर आप कुछ भी इधर उधर करते हो, उनको पता लगता है कि आपके रूम में कोई बैठा है, आप चीट कर रहे हो, कोई दूसरा वेबसाइट आप खोल के रखे हो, देन दे विल किक यू आउट फ्रॉम द एग्जाम विदाउट टेलिंग यू. ठीक है, आपका $75 ऐसे ही गया. फिर अगेन यू हैव टू बुक अ टेस्ट विद $75. सो डो नॉट वेस्ट योर मनी, मेक श्योर यू स्टडी हार्ड, प्रैक्टिस ऑल द 5 tests, कंप्लीट ऑल द 11 modules एंड देन बुक योर सिक्योरिटी गार्ड एग्जाम एंड गिव दैट मिनिमम 60%. देर विल बी 60 questions, 38 marks, हर एक क्वेश्चन का एक 1 mark होता है. 60 questions, 68 marks, आपको 38 questions मिनिमम करेक्ट करना होगा. दैट इज 60%. आपको 60% चाहिए टू पास योर एग्जाम एंड वंस यू पास योर एग्जाम यू विल बी गेटिंग अ टेस्ट कंप्लीशन नंबर. ठीक है, ये नंबर जो है इसको आपको रखना है सेफली एंड देन विल बी प्रोसीडिंग टूअर्ड थर्ड स्टेप. ऑलराइट गाइस, थर्ड स्टेप शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूँ जो मैं मिस कर गया था. दैट इज, जब आप सीपीआर ट्रेनिंग अप्लाई करोगे आपको एक ऐसा बुक मिलेगा जहां पे आपका जो आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो सीपीआर में, बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, आपको ये ट्रेनिंग अटेंड करना है. मुझे सेफ्टी फॉर सिक्योरिटी ने ये वाला बुक दिया है एंड इसमें गाइस सारा कुछ मेंशनड है. सो इन केस आई एम नॉट रिकमेंडिंग, इन केस इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम दैट 11 modules ऑनलाइन थ्रू लैपटॉप बिकॉज किसी को प्रॉब्लम होता है, राइट, यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस पर्टिकुलर बुक. यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, यू कैन स्टडी एंड देन गिव दोज प्रैक्टिस टेस्ट. वो देना ही देना है, ठीक है, इधर से पर हो ऑनलाइन पर हो, प्रैक्टिस टेस्ट सारा कंप्लीट करना है एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर योर एग्जाम, राइट. वंस यू हैव पास्ड यू हैव टू गो टू अ डिफरेंट वेबसाइट. दैट इज, आपको एक आईडी क्रिएट करना होगा. जैसे हम फेसबुक में आईडी क्रिएट करते हैं, वो बेसिक चीज है. आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा वेबसाइट, इंस्ट्रक्शन शीट में भी लिखा रहेगा. दैट इज onekey.gov.on, दैट इज ontario.ca, ये वेबसाइट है. इस पे आपको जाके आईडी क्रिएट करना है एंड देन यू हैव टू सबमिट अ फॉर्म एंड अ गारंटर फॉर्म. दो फॉर्म आपको सबमिट करना है. फर्स्ट फॉर्म में आपको एड्रेस, बेसिक डिटेल्स, नाम, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है, दैट इज फोटो आईडी, देन योर स्टडी परमिट और वर्क परमिट और PR और कैनेडियन सिटीजनशिप. कुछ भी प्रूफ आपको सबमिट करना है, ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट करना है, पासपोर्ट सबमिट करना हो सकता है. वंस यू आर क्रिएटिंग दैट आईडी एंड सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स, देन आपको एक अलग फी पे करना होगा, दैट इज $80. फर्स्ट हमने सीपीआर ट्रेनिंग के टाइम $180 पे किया है, एग्जाम बुक करते टाइम हमने $75 पे किया है एंड फाइनली वंस यू आर सबमिटिंग दिस लास्ट डॉक्यूमेंट, योर गारंटी फॉर्म एंड द मेन फॉर्म, आपको $80 पे करना है. यू विल बी अप्लाइंग फॉर योर लाइसेंस. ठीक है, वंस इट्स कंप्लीटेड आपको एक डिजिटल लाइसेंस मिलेगा विद इन 1 week एंड आपको जो लाइसेंस का कार्ड होगा, डेबिट कार्ड के जैसे आपको सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस कार्ड मिलेगा, वो 1.5 महीने के अंदर आपके घर में डिलीवर हो जाएगा. फाइनली कमिंग टू द मेन पॉइंट, यू हैव गॉट योर लाइसेंस, यू हैव डन ऑल द मेसी पार्ट, ऑल द स्ट्रगल एंड नाउ योर कार्ड लाइसेंस और लेट्स योर डिजिटल लाइसेंस इज फाइनली विथ यू एंड यू आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर जॉब. अब यहाँ पे लोग डिप्रेशन में पड़ते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है कि जॉब नहीं मिल रहा, भाई इतना पैसा लगा, $350 $400 तक लग गया बट जॉब नहीं मिल रहा है, गॉड. ठीक है, तो हाउ डू एग्जैक्टली get a job like this. ठीक है, मैं बताता हूँ, मुझे इसका एक्सपीरियंस है. मैं आई नो दैट आई एम जस्ट इन द फेज ऑफ गेटिंग अ लाइसेंस बट आई नो एग्जैक्टली हाउ टू गेट अ जॉब बिकॉज मैं ऐसा ही बंदा हूँ. मैं आगे का प्लान करके रखता हूँ, मुझे लाइसेंस मिलेगा विद इन 1 week आई विल बी सिक्योरिंग अ जॉब फॉर माई सेल्फ. दैट्स द कॉन्फिडेंस आई एम हैविंग एंड आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू. दिस इज नॉट ब्रैगिंग, दिस इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, बट यू शुड बी थिंकिंग लाइक दिस. मैं अप्लाई कर रहा हूँ किस चीज के लिए, पैसा कमाना है, जॉब लगाना है अपने लिए, तो जॉब का पहले देखो देन अप्लाई फॉर योर लाइसेंस. ठीक है, यू शुड बी हैविंग अ कंप्लीट नॉलेज कि मुझे जॉब कहाँ से मिलेगा. भाई लाइसेंस लेकर बैठ जाओ और सोते रहो पूरा साल, ऐसा नहीं करना है, राइट. यू हैव टू नो वेयर टू गेट अ जॉब. तो इसीलिए ये वाला पार्ट अच्छे से सुनो. जॉब लेने का 2 technique है. नंबर 1, आप खुद जाके और रेज्यूमे डालते जाओ. ठीक है, बैंक में चले जाओ जहाँ पे ऑनलाइन इंडीड पे सर्च कर सकते हो कि सिक्योरिटी गार्ड पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स, वहाँ पे यू कैन ऐड योर रेज्यूमे और कॉन्टैक्ट देम इन पर्सन और लेट्स से ओवर कॉल. ठीक है, ये तो बेसिक ट्रेडिशनल उपाय हो गया बट दिस वोंट लाइक 90% चांस दिस वोंट लैंड यू अ जॉब. व्हाट्स द सेकंड टेक्निक? सेकंड टेक्निक इज एक्चुअली 3 technique है, मैंने 2 बताया इनिशियली, 3 technique है. दिस इज द फर्स्ट वन ट्रेडिशनल, ऑनलाइन जाकर वेबसाइट्स पर रेज्यूमे डालते जाओ, इन पर्सन बैंक वगैरह में जाकर रेज्यूमे डालो. ठीक है, दिस इज समथिंग यू कैन डू बट आई वोंट रिकमेंड. व्हाट्स द सेकंड वन? यहाँ पे कुछ बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज होते हैं, कैनेडियन सिक्योरिटी,
Paladin Security, let's say Paragon Security, these are the most famous three companies for security guard. यहाँ पे आपको जाके या फिर online call करके इनको बताना है कि I want a security job, या फिर ये लोग आपको बता दें, once you call them, they'll say कि हाँ हमारा इस office पे walk-in interview चल रहा है, bring your resume, come there, give an interview, if we like how you have interviewed with us, then हम लोग आपको job दे देंगे with your requirements, be it part-time or full-time. अब यहाँ पे गाइज मोस्टली लोग यही करते हैं, पैलेडिन, पैरागॉन, कैनेडियन सिक्योरिटी गार्ड, इसमें अप्लाई करते हैं. बट यहाँ पे एक मेजर इशू आता है, दैट इज दे आस्क फॉर 1 ईयर एक्सपीरियंस. अब भाई तुम हायर नहीं करोगे, मैंने अभी ट्रेनिंग कम्प्लीट किया है, हर जगह दे आर सेइंग कि 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, तो हायर नहीं करोगे तो भाई एक्सपीरियंस कैसे लाऊं? पहले हायर तो कर लो, फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा 1 ईयर एक्सपीरियंस लेके आऊंगा, हायर तो कर ले भाई. तो वो लोग हायर नहीं करते, दे विल रिजेक्ट यू बिकॉज आपका एक्सपीरियंस नहीं है. तो वट वी शल डू, आपको हमारा दो ऑप्शन एग्जॉस्ट हो गया, फर्स्ट रेज्यूमे डाले कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, सेकेंड बड़े बड़े कंपनीज के अंडर इंटरव्यू दे दिए, मतलब हम लोग गए प्रिपेयर किए इंटरव्यू दिए, एंड एट द एंड दे सेइंग यू डोंट हैव एक्सपीरियंस बट यू आर रियली गुड, आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो हम लोग हायर नहीं कर सकते, सॉरी. ठीक है, तो द थर्ड पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स हियर. अब एक बेसिक चीज मैं बता देता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब हर जगह नहीं होता है, मेनली सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स आर फॉर कंस्ट्रक्शन साइट्स, बड़े बड़े कॉन्डोज में आप सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हो, बैंक्स में बन सकते हो, ऑफिस में बन सकते हो, एंड ये सारे कहाँ पे है? डाउनटाउन में है, बी इट डाउनटाउन ब्रैम्पटन, बी इट डाउनटाउन टोरंटो, या फिर डाउनटाउन वैंक्यूवर ब्रिटिश कोलंबिया, ये तीन सबसे पॉपुलर डाउनटाउन है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का जॉब्स अवेलेबल है. सो व्हाट शैल वी डू, हम लोग अभी रह रहे हैं मिसिसागा में, हम लोग अभी रह रहे हैं ब्रैम्पटन में, कहीं लंदन में रह रहे हैं, किचनर में रह रहे हैं, यहाँ पे डाउनटाउन नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गो टू द ऑफिस जहाँ पे आपको CPR ट्रेनिंग मिला था, कॉन्टैक्ट द गाई हु हैज गिवन यू ट्रेनिंग एंड दे विल प्रोवाइड यू अ जॉब इन एनी लोकेशन जहाँ पे वेकेंसी है. उन लोगों को हमेशा पता रहता है कि कहाँ पे जॉब्स है, बिकॉज दे आर इन दैट बिजनेस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं जहाँ से CPR ट्रेनिंग लिया था, वहाँ पे जो बंदा था उसने हमें एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग ही सेड दैट व्हेनेवर यू कंप्लीट अ सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग कम टू मी इफ यू वॉन्ट अ जॉब इन टोरंटो और स्कारब्रो और ब्रैम्पटन. हाँ, ब्रैम्पटन में लिमिटेड वेकेंसीज है, टोरंटो में बहुत ज्यादा है, एंड स्कारब्रो में भी है, बट पीपल डोंट प्रेफर टू गो देयर बिकॉज इट्स लॉन्ग डिस्टेंस. तो अगर आप स्कारब्रो में रहते हो, वेल एंड गुड. ठीक है, तो वो बंदा खुद हमें बोला, तो इसीलिए दिस इज वेरी प्रैक्टिकल एंड कॉमन सेंस कि आपको अगर जॉब नहीं मिल रहा है, गो टू द एजेंसी, गो टू द कंपनी, गो टू द पर्सन हु हैज गिवन यू द ट्रेनिंग एंड आस्क देम फॉर जॉब, कि भाई ट्रेनिंग तूने दी है, अब जॉब भी तू ही दिला दे, बिकॉज एक्सपीरियंस मांग रहे सब लोग. अगर हम लोग हायर नहीं हो इनिशियली, देन हाउ विल यू गेन एक्सपीरियंस, राइट? सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, पीपल डोंट रियली नो अबाउट इट. Go to the person, go to the training center and ask for a job. That was all for this video, guys. I hope you have completely understood the basic steps. एकदम स्टेप वन से लेके आखिर तक की लाइसेंस कैसे डिलीवरी करना है, हाउ टू गिव द एग्जाम, व्हाट आर द चार्जेस दैट यू नीड टू पे, कंपलसरी चार्जेस, एंड फाइनली हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स. टोरंटो हो गया, ओंटारियो हो गया, पूरा ओंटारियो में कहीं पे भी अप्लाई करना, तो व्हाट आर द 3 मेन टेक्निक्स, वो भी शेयर कर दिया हूं. एंड फाइनली इनकेस सारा कुछ एग्जॉस्ट हो जाता है, सारे ऑप्शन कवर हो जाते हैं, फिर भी आपको जॉब नहीं मिलता, डू कॉन्टैक्ट मी इन माई इंस्टाग्राम आईडी, मेन आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. अगर इनकेस रिप्लाई नहीं आता, कॉन्टैक्ट मी इन द पर्सनल आईडी जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, ठीक है, रिप्लाई आपको आ जाएगा, एंड आई विल हेल्प यू विथ वट एवर आई कैन टू गेट यू अ जॉब. शाउट आउट दे दूंगा, किसी का रेफरेंस होगा तो मैं बता दूंगा, वेकेंसी होगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा. तो आई एम जेन्युइनली हियर टू हेल्प यू गाइस, बिकॉज ट्रस्ट मी, सिक्योरिटी गार्ड अगर मिल जाता है आपको काम, सिक्योरिटी का, इट्स वेरी 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 एक्साइटिंग. आप लीगल प्रोफेशन में होगा, आपको लेबर नहीं करना है, एंड इट्स वेरी वेरी स्मूथ एंड ईजी जॉब, राइट? एंड वो आपको नॉक बी में PR भी दिला सकता है. सो आई एम जेन्युइनली हियर टू हेल्प यू गाइस, मेक श्योर कॉन्टैक्ट मी, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. इफ यू न्यू, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो. अगर मजा आया तो शेयर भी कर दो, अगर किसी को सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस अप्लाई करना है उसको हेल्प हो जाएगा. एंड टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट.